एवरीवन, तो आज की यह वीडियो उन लोगों के ऊपर है जो लोग की टिकटॉक पर वीडियो बनाते थे। और गाइस, जैसा कि क्या हुआ है कि आपको मालूम ही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले 59 चाइनीज एप्लीकेशन को इंडिया में बैन कर दिया है, क्योंकि वो लोग चाइना वाले की एप्लीकेशन थी और वो लोग हमारा डेटा लेक कर रहे थे, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने उसको इंडिया में बैन कर दिया। 59 एप्लीकेशन को, चाइनीज एप्लीकेशन को इंडिया में बैन कर दिया, जिसमें से एक टिकटॉक भी था। तो अब क्या हुआ है, जैसे कि गाइस, टिकटॉक बैन होने के बाद बहुत सारे इंडिया में टिकटॉक जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए, जैसे कि रोपोजो हो गया, सिंगारी हो गया, और जोश हो गया, स्नैक्स वीडियो हो गया, अदर्स बहुत सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं। तो गाइस, में इसमें से जो तीन जो जैसे कि पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन है, उसमें से तीन हैं। एक पहला नंबर पर है स्नैक वीडियो, दूसरे नंबर पर है रोपो, जो तीसरे नंबर पर है चिंगारी। तो गाइस, अब गाइस, टिकटॉक बैन होने के बाद बहुत से लोग एक कंफ्यूजन में है कि जैसे कि उन लोग को अब समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे इंडियन एप्लीकेशन से अब इसमें से कौन सा पॉपुलर एप्लीकेशन है। अब उन लोग को कंफ्यूजन हो रही है कि अब हम किस पर शॉर्ट वीडियो बनाएं और नाम कमाएं, पैसा कमाएं, फेम कमाएं। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपू और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत कुछ दिनों पहले बहुत सारे चाइनीज एप्लीकेशन को इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। तो अब क्या हुआ कि इंडिया वालों ने टिकटॉक से रिलेटेड ही शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन लॉन्च कर दिए, जिसमें से मैंने आपको नाम बता दिया था, जिसमें से तीन एप्लीकेशन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो उसमें से पहले नंबर पर आता है स्नैक्स वीडियो, दूसरे नंबर पर आता है रोपोजो, तीसरे नंबर पर आता है चिंगारी। तो अब मैं बता दूं कि अब इसमें से आप किस पर वीडियो बना सकते हैं, जिस पर कि आप बहुत जल्दी से फेमस भी हो सकते हैं, पॉपुलर भी हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन हो रहा है वो है स्नैक्स वीडियो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको इसका प्रूफ ज़रूर दिखाऊंगा। तो मैं जैसा कि मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है स्नैक्स वीडियो। तो आप देखते ही होंगे, जब भी आप व्हाट्सअप खोलते होंगे या फेसबुक खोलते होंगे, तो आपको स्नैक वीडियो एप्लीकेशन की आपकी वीडियो दिखाई देती होगी, व्हाट्सअप स्टेटस के ऊपर, फेसबुक स्टोरी, इंस्टा स्टोरी पर आपको उसकी वीडियो दिखाई देती होगी। तो अब मैं बता दूँ आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर एप्लीकेशन है वो स्नैक्स वीडियो। तो अब मैं आपको इसका प्रूफ भी कुछ दिखा दे रहा हूँ। देखिए गाइस, जैसे कि मैं आपको इधर बगल में दिखा दे रहा हूँ, देखिए इधर आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी कम वीडियो में कितना मेरा व्यूज है। जैसे कि एक वीडियोस पर मेरा 2 से 3 हज़ार व्यूज़ है। अब सोच सकते हैं आप ही कि मेरा इतने कम वीडियोस में इतना व्यूज आ रहा है। तो अब सोचिए आप ही कि अब कौन सा एप्लीकेशन बढ़िया है। मैं आपको बता देता हूँ, तीनों एप्लीकेशन, जैसे कि रोपोजो पर भी मैं गया, लेकिन रोपोजो पर क्या हुआ कि जैसे कि मैं रोपोजो पर भी गया और वहाँ पर भी 10-15 वीडियो अपलोड किया। अब वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर मुझे कुछ फेम नहीं मिला, 1-2 व्यूज़ भी नहीं आए, वहाँ पर 0 के 0 ही व्यूज़ रहे। तो अब मैं क्या किया, चिंगारी भी एक बार कहा कि एक बार देख लिया जाए। तो चिंगारी भी क्या हुआ कि चिंगारी का भी वही हाल था, वो तो अच्छे से वर्क ही नहीं कर रहा था। तो मैंने क्या किया कि अब स्नैक वीडियो पर मैंने, क्योंकि देख रहा था बहुत दिनों से कि बहुत सारे लोग स्नैक वीडियो का आ रहे, व्हाट्सअप स्टेटस में उसकी वीडियो लगा रहे हैं, फेसबुक स्टोरी में उसकी वीडियो लगा रहे हैं, इंस्टा स्टोरी में उसकी वीडियो लगा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस पर चला जाऊँ। तो मैंने जब इस पर, जैसे कि देख सकते हैं आप मैंने कितनी वीडियो बनाई है और मेरा कितना व्यूज़ है। तो मैं देख, आप सोच सकते हैं कि मैंने इतनी सी वीडियो में कितना इस पर हमको फेम मिला है, मतलब कि कितना मुझे मेरे वीडियो के हिसाब से मुझे व्यूज़ भी मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये इस पर अगर आप जाएंगे तो अगर आप 10-15 वीडियो बना देंगे तो आपका वीडियो भी ऐसे ही वायरल होगा, आपका भी 1700, 2000, 3000 ऐसे करके कुछ व्यूज़ ज़रूर आएगा। व्यूज़ ज़रूर आ रहे गाइस, इस पर भले थोड़ा सा कम लाइक मिल रहा है लेकिन व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि लाइक से कोई मतलब नहीं होता, लाइक का फ़ायदा यही होता है कि अगर हमको लाइक मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं कि वीडियो बनाने के लिए हमको मोटिवेट मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि लाइक से कोई मतलब नहीं होता है, व्यूज़ से सब कुछ होता है। मान लीजिए अब व्यूज आ रहे 2000, 3000, 2000, तो जैसे इतने लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं ना, अगर मैं रेगुलरली एक मंथ तक एकदम अपनी वीडियो इस पर बनाते रह गया ना, तो मैं आपको पक्का बोल रहा हूँ कि मैं वायरल हो जाऊँगा और मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। अब बताइए गाइस, आपको जैसे कि जब टिकटॉक बैन हुआ तो अब वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा होगा 1 से 2 महीना उसका बैन हुए। तो आप देखिए, आप इधर बगल में देख सकते हैं
जिन्होंने इतने एक ही दो महीने में ये स्नेक वीडियो पर पॉपुलर हो चुके हैं। और अब मैं दूसरी जो पॉपुलर हुए हैं उनको दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए बगल में यहाँ पर ये भी हो चुके हैं पॉपुलर दूसरे नंबर पर, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं स्नेक वीडियो पर। और इन लोगों ने सिर्फ एक महीने के अंदर ही इस एप्लीकेशन पर पॉपुलर होकर दिखाया है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जितना जल्दी स्नेक वीडियो को डाउनलोड कर उस पर वीडियो बनाएंगे आपको उतना ही बहुत ही आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत इस पर अच्छा से हम लोग को व्यूज़ भी मिल जा रहे हैं और लाइक्स भी आ रहे हैं बहुत अच्छे से। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अगर बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं नहीं टिकटॉक आएगा तो ही मैं अब बनाऊंगा वीडियो, तो मैं आपको बता दूं कि जिसके पास टैलेंट रहता है ना तो वो कोई भी एप्लीकेशन पर वीडियो बना लेता है। मान लीजिए आप खाली टिकटॉक पर सोच रहे हैं कि हम टिकटॉक पर फेमस होंगे तो नहीं, आपको बहुत अदर्स एप्लीकेशन की भी मदद लेनी पड़ती। जितने भी टिकटॉक स्टार थे वो अदर्स एप्लीकेशन की मदद से भी पॉपुलर हुए थे। जैसे कि आप यहाँ पर भी वीडियो बना लीजिए और जब फेमस हो जाएंगे तो अब कितने दिन तक आप ही बताइए मुझे कि अब कितने दिन तक अब आप इंतज़ार करेंगे टिकटॉक का वापस आने का। बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं कि टिकटॉक वापस आएगा, मैंने भी वीडियो बनाई थी लेकिन अब क्या करें, अब टिकटॉक वापस नहीं आया, अब ऐसे ही बोल रहे हैं सब आएगा नहीं, अब हम मालूम नहीं कब आएगा। हम मैंने तो वीडियो बनाई, आप चाहें तो देख सकते हैं जाकर, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जिसके पास टैलेंट होता है और जो पॉपुलर होना चाहता है वायरल होना चाहता है तो आप यहाँ पर स्नेक वीडियो पर आकर वीडियो बना सकते हैं और पॉपुलर हो सकते हैं, पैसे वैसे कमा सकते हैं। जैसे कि देखा मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारे कम वीडियोस में भी डालकर ना आप पॉपुलर हो सकते हैं इस एप्लीकेशन पे, क्योंकि एप्लीकेशन न्यू लॉन्च हुई है और वहाँ पर अभी लोग ज़्यादा वीडियोस की इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि अभी ये लोग सोच रहे हैं कि ये अभी पॉपुलर ज़्यादा नहीं है, जब पॉपुलर होगा तब हम वीडियो बनाएंगे। तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले वीडियो बनाइए ताकि आप सबसे पहले पॉपुलर हो जाए। जैसे कि मैंने इन दोनों का नाम दिखाया इधर बगल में, ये एक महीने के अंदर पॉपुलर हुए हैं। इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कौन से एप्लीकेशन पर बना रहा हूँ, जैसे कि मैं टिकटॉक आएगा तो ही बनाऊँगा, ये लोग ऐसा नहीं सोचे, इसलिए ये लोग पॉपुलर हो चुके हैं। अगर आप भी चाहते पॉपुलर होना तो आप भी आ जाइए वीडियो बनाइए इस पर स्नेक वीडियो पर। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि मान लीजिए आप ऐसे ऐसे व्यूज आ रहे 2000-3000 व्यूज आ रहे, और मान लीजिए अगर आप एकदम लगातार एक महीने तक काम करते रहे ना तो आपका मैं पक्का गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपका 1 मिलियन व्यूज आ जाएगा और आप पॉपुलर भी हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए जब आपका वीडियो वायरल हो जाएगा ना मीडिया अदर सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर, मैंने पहले शुरुआत में बताया कि वो लोग जैसे कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर वीडियो स्नेक्स वीडियो की वीडियो भेज रहे हैं, तो अगर आप मान लीजिए आपका 1 मिलियन पार हो गया लाइक्स व्यूज, तो आप क्या करिए, मान लीजिए आप बहुत से लोग होंगे जो जिनको आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वो लोग आपको क्या करेंगे, इंस्टा की स्टोरी में आपकी वीडियो जोड़ सकते हैं, फेसबुक की स्टोरी में आपकी वीडियो जोड़ सकते हैं और अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर आपकी वीडियो लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप आ जाइए, स्नेक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यूज़फुल है। अब जितना ही देर करेंगे आप, अब आपके लिए बहुत ही घाटा होगा। मैंने तो अब बता दिया, मेरी बस इतनी ही थी। अगर आप चाहते आना तो आप आ सकते हैं और मेरी स्नेक वीडियो की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए जैसे स्नेक वीडियो के ऊपर चाहिए या कोई भी अदर एप्लीकेशन के ऊपर टॉपिक चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा, अगली वीडियो आपको बना कर दूंगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी, वीडियो अच्छी लगी थोड़ी सी भी वीडियो समझ में आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। जो भाई मेरे चैनल पर नहीं हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आगे भी उनको ऐसी वीडियो देखनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आप क्या स्नेक वीडियो पर आ रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। स्नेक वीडियो एप्लीकेशन की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी, आप वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।